सब्जेक्टिव शीट नंबर 16 का फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 कितने लोगों का हो गया तो हिट एंड ट्रेल कर ही लिया, ट्राइंगल लॉ लगा लगा के। कैसे? मैथ्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है, फिजिक्स की कम है, तो इसमें करना कुछ नहीं है। आपको ना एक फिगर गिवन है, तो ये फिगर गिवन है ए बी बी सी सी डी डी और ई एफ। इस फिगर में आपको ये प्रूव करना है ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ए ओ वेक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको क्या आता है? सिर्फ ट्राइंगल लॉ और कुछ नहीं आता। तो आपको सिर्फ ट्राइंगल ढूंढना है जहां पर आप अपना लॉ लगा सके। लेकिन उससे पहले अगर आप ध्यान से देखें, ई डी वेक्टर मेरी तरफ है, ए बी वेक्टर भी मेरी तरफ है, तो ये ई डी वेक्टर और ए बी वेक्टर बराबर है। दे आर इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर तब माने जाते हैं जब वैल्यू भी बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर हो। यहां पर वैल्यू भी सेम है और डायरेक्शन भी मेरी तरफ है, तो दीज टू आर इक्वल वेक्टर्स। तो मैं क्या लिख सकता हूं? ई डी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? ए बी वेक्टर इक्वल टू ई डी वेक्टर। दूसरा पॉइंट यहां से, सी डी वेक्टर इज इक्वल टू ए एफ वेक्टर। सी डी वेक्टर इज इक्वल टू ए एफ वेक्टर, ये भी साइड पे लिख लिया मैंने। तो दो इक्वेशन तो आ गई। तीसरी ट्राइंगल और ढूंढते हैं। चलो सबसे पहला ट्राइंगल ये लेते हैं, साफ दिख रहा है ए सी वैक्टर इस तरफ है, सी डी वैक्टर इसे आगे कॉन्टिन्यू कर रहा है, और ये वैक्टर इज अ क्लोजिंग साइड। ये क्लोजिंग साइड है, तो क्लोजिंग साइड वैक्टर क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। तो ट्राइंगल और क्या लगेगा? ए डी वैक्टर इज ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। क्या ये पहला स्टेप क्लियर है ट्राइंगल लॉ का? ये रहा, ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज ए डी वेक्टर, पहला स्टेप क्लियर है। या फिर ए सी वेक्टर का ए सी वेक्टर सी डी वेक्टर। अभी मैंने बताया सी डी वेक्टर किसके इक्वल है? ए एफ वेक्टर। तो सी डी वेक्टर की जगह ए एफ वेक्टर, ये पहला ट्राइंगल लॉ मैंने लगा दिया। सही है यहां तक? नेक्स्ट है, नेक्स्ट ट्राइंगल लॉ लगाते हैं यहां पे। ये देखो, ये एक वेक्टर जा रहा है ए ई, ये एक वेक्टर जा रहा है ई डी। ये वेक्टर कॉन्टिन्यूस है और ये इसकी क्लोजिंग साइड है, ये क्लोजिंग साइड है। तो क्लोजिंग साइड वेक्टर क्या होगा? यानी कि ए डी वेक्टर रिजल्टेंट होगा। तो ए डी वेक्टर इज ए ई वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो ए डी वेक्टर इज ए ई वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर। पर ई डी वेक्टर किसके इक्वल है? ए बी वेक्टर। तो ये देखो, ई डी की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? ए बी। तो दो ट्राइंगल्स लॉ के लिए दो ट्राइंगल्स ढूंढ लिए, लॉ हमने लगा लिया। कोई डाउट इसमें? बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हमने प्रूव क्या करना है? ये पूरी टर्म 6 ए ओ, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, इन 5 टर्म्स को लिख लें यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, इन 5 टर्म्स में ए बी वेक्टर और ए ई वेक्टर, ए बी वेक्टर और ए ई वेक्टर की जगह ए डी वेक्टर, इन दोनों की जगह ए डी वेक्टर। उसी तरीके से ए ई ए सी वेक्टर ए एफ वेक्टर, स्टार लगा हुआ है, ए सी वेक्टर ए एफ वेक्टर की जगह ए डी वेक्टर, तो इसकी जगह भी ए डी वेक्टर। 3 ए डी इकट्ठे हो गए, तो क्या आ गया? 3 ए डी वेक्टर, 3 ए डी वेक्टर हो गया। अब मुझे ये पता है कि वो मिड पॉइंट है ए डी का, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए डी की जगह 2 टाइम्स ए ओ, 6 ए ओ वेक्टर आंसर आ गया। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? टिपिकल स्कूल लेवल प्रॉब्लम है, स्कूल के पेपर्स में ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई कॉम्पिटिशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्कूल में दे देते हैं कोई भी क्वेश्चन, या ग्राफ बना दिया, डायग्राम बना दिया, कहेंगे प्रूफ कर दो। बाकी हैंस प्रूफ तो कभी छोड़ के नहीं आना चाहिए, खाली हैंस प्रूफ तो करके आना चाहिए, तब आपको पता है टेंथ के बाद क्या करना होता है, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। ठीक, तो यहाँ तक पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे किया? ठीक, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है, एक आध क्वेश्चन ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क था। तो क्या किया? फाइंड रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस 6 और 8, और एक ईस्ट में है, एक नॉर्थ में है, एक ईस्ट में है और एक नॉर्थ में है, 6 और 8 न्यूटन है। इनका रिजल्टेंट के लिए इसका पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, और ये रहा। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी कि 10।
और रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए बीटा, तो टैन बीटा क्या होगा, 8/6। आप इसे सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे, तो टैन इनवर्स 1.33 तक छोड़ दें, ये रहने दें, मतलब ऐसे एंगल नहीं आ पाएंगे आपको, छोड़ दें, आप ऐसे ही छोड़ दें टैन इनवर्स 1.33। ओके, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनों कितनों का हो गया ये? ठीक है, तो इसमें कैलकुलेट एंगल बिटवीन 2 न्यूटन फोर्स एंड 3 न्यूटन फोर्स ताकि रिजल्टेंट 4 न्यूटन हो जाए। तो रिजल्टेंट 4 हो गया, ये रिजल्टेंट किसका किसका है, 2 का और 3 का, तो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 × 2 × 3 × कॉस ऑफ एंगल बिटवीन 2 फोर्सेज इज थीटा, तो कॉस थीटा। तो यहाँ से स्क्वेयरिंग कर लें, ये वैल्यू एडजस्ट कर लें, कॉस थीटा की वैल्यू 3/12 1/4, तो कॉस इनवर्स 0.25, यहीं तक छोड़ दें, नहीं सॉल्व कर पाएंगे इसकी वैल्यू, ये आंसर है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन अभी के लिए छोड़ दें, वैसे कितनों का हो गया, हो गया, अच्छा ठीक है, कैसे किया, पहले पहले पी और क्यू का रिजल्टेंट आ रहा है, तो ये क्वेश्चन बन गई, माइनस क्यू लिया, ठीक है, फिर ठीक है, हो गया, माइनस टू पी क्यों, क्यों रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया आपने, अच्छा तो आपने कुछ ऐसा किया और ये सॉल्व करके ऐसा किया, ठीक है, ये बहुत लंबा है, मैं आपको सिर्फ एक लाइन में समझाऊंगा ये क्वेश्चन थोड़ी देर में, बस मुझे एक टॉपिक करवाना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, उसके बाद ये एक सेकंड में पेन भी हाथ में लगाना आंसर आ जाएगा, ठीक है आपने वैसे, पर एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट से करवाऊंगा, इसका एक्चुअल मेथड समझ रहे हैं, डायग्राम गिवन नहीं होगा पेपर में, नहीं होगा, नहीं होगा डायग्राम गिवन, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको 2 मिनट छोड़ दें, इसको आ रहे हैं थोड़ी देर में। व्हाट इज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब पी और क्यू बराबर है और एंगल उनके बीच में कितना है, 2π/3, 2π/3 में पाई का मतलब सोचें 180 डिग्री होता है, 2/3 × 180 का मतलब 120 डिग्री होता है, इसको मन में 180 पुट करके देखें, 2 × 180 360/3 120 डिग्री होता है, तो 2 वेक्टर्स जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है उनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, उनका रिजल्टेंट निकाल लें और प्रूव करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर, यानी कि रिजल्टेंट भी पी आर क्यू में से किसी एक वैल्यू के इक्वल है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख लें, p² + p² + 2 × p × cos ऑफ एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स 120 डिग्री, और मैथ्स में cos 120 क्या होता है, माइनस हाफ, ये याद रखना, cos 120 माइनस हाफ है, तो पुट कर लें, इसे सॉल्व करें, 2 और 2 कैंसल, माइनस p² हो जाएगा, ये कट गया, p² का अंडर रूट p हो गया, तो रिजल्टेंट p के इक्वल आ गया, यानी कि आइदर ऑफ देम के इक्वल आ गया आंसर, तो यही प्रूव करना है कि रिजल्टेंट p या q दोनों में से एक के इक्वल है, तो p के इक्वल आ गया, कोई डाउट इसमें? पॉइंट्स को समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, हो गया था यहाँ तक, ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनों का ये क्वेश्चन हो गया, हो गया, क्वेश्चन है एट व्हाट एंगल डू दी फोर्सेस p+q and p-q, दो फोर्सेस हैं, नॉर्मली फोर्सेस दी जाती हैं p एंड q, इसने कहा एक फोर्स ले लो p+q, एक फोर्स लो p-q, तो वो कह रहे हैं कि एंगल बताओ p+q और p-q में क्या होगा ताकि इनका रिजल्टेंट इसके इक्वल होगा, चलो रिजल्टेंट उसने दे दिया, मैंने लिख लिया रिजल्टेंट, ये किसका रिजल्टेंट है, p+q का और p-q का, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, p+q² + 2 × p+q² + 2 × p+q × p-q × cos of angle between p+q and p-q, तो मान लेते हैं एंगल कितना है p+q और p-q में थीटा, तो यहां पर cos of थीटा, कोई डाउट इसमें, स्क्वेयरिंग कर दें, स्क्वेयरिंग करके a+b² a-b² और फिर यहां पर p² - q², यहां से q² कैंसिल भी होगा, 2pq - 2pq कैंसिल भी होगा, सॉल्व करके ये टर्म आ जाएगी, ये पूरी टर्म को इसके नीचे ले जाएं तो क्या बचेगा, हाफ cos थीटा, जब हाफ बचेगा तो थीटा क्या होगा, 60 डिग्री आंसर आएगा, तो क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि एंगल p और q के बीच में नहीं है, एंगल p+q और p-q के बीच में है,
तो पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू के बीच में जो रिजल्टेंट है वो गिवन है और एंगल इनके बीच में थीटा है, तो ये फॉर्मूला लगा के आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें? देखो जहाँ स्टेटमेंट प्रॉब्लम नहीं है ना वहाँ सब ठीक लगता है, बेटर लगता है। मोशन के अंदर तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम थी, पहले तो स्टेटमेंट समझना ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब इतनी तो मतलब पहले उसी में आई क्यू चाहिए, बंदा स्टेटमेंट समझ ले कि वो बोल क्या रहा है, फिर उसका इमेजिन करके सोल्यूशन निकालना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, स्ट्रैटेजी बनाना मैं ये लगाऊंगा, फिर मैथ भी आना चाहिए और कैलकुलेशन भी सही बैठनी चाहिए, तब जाके फाइनल आंसर आएगा। तो मतलब इतना आसान नहीं है मोशन चैप्टर, मैंने आपको शुरू में बोला था थोड़ा सा दम लेता है, थोड़ा नहीं बहुत दम लेता है एक्चुअल में, तो कई घंटे लगाने पड़ते हैं मोशन में, तब जाके थोड़ा सा लेवल बनता है। मैंने आपको मेंस और नीट की शीट सेंड कर दी थी, तो आपने देखनी शुरू की, कितनों ने देखी मेंस की शीट? हो रहे नॉर्मल है, आधे क्वेश्चन तो नॉर्मल है, कोई एक्सेप्शन नहीं। और नीट वालों ने देखा? वो तो बिलो नॉर्मल ही है, नॉर्मल एनसीईआरटी टाइप ही है यार, तो कुछ भी नहीं है, वन वन लाइनर है। तो कहने का मतलब ये तो बहुत ऊपर चलते हैं हम लोग, जस्ट डर के मारे कि कहीं पेपर ऊपर नीचे ना हो जाए, तो हमें पूरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, अदरवाइज इतनी बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है, पर रिटेन होना चाहिए 2 साल के लिए, 2 साल में भूलेंगे तो बहुत कुछ। तो समझ में आ रहा है यहाँ पर? नेक्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेज एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर, रिजल्टेंट फिर से दे दिया, दो इक्वल फोर्सेज हैं तो पी और क्यू लेने की जरूरत नहीं है, पी और पी लेने की जरूरत है, और राइट एंगल का मतलब इनके बीच में एंगल 90 है, दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट पता है, पी स्क्वायर 2pp cos 90 ये उड़ जाएगा, सॉल्व होके रूट 2p आएगा, रूट 2 नीचे आ गया, रूट 2 का मतलब 1.414, सॉल्व करो 1000 आंसर आ गया, तो यहाँ से पी की वैल्यू 1000 आ गई। कोई डाउट इसमें? तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें? क्लियर है? तो रिजल्टेंट दे दिया, बाकी वैल्यूज पी एंड पी ले ली, मैथ्स लगाया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। इन चैप्टर में अच्छी बात ये फिजिक्स वालों के लिए कि सिर्फ पहला स्टेप बताना होता है, बाकी मैथ वालों के उसमें छोड़ देना होता है, तुम मैथ का अलजेब्रा लगाओ सॉल्व कर लो, क्योंकि इसमें फिजिक्स है ही नहीं कहीं पर भी, फिजिक्स सिर्फ एक ही स्टेप में लगती है इसमें। ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट है इसमें? हो जाएगा, पूछ लो, अगली बार टेस्ट है, अब हम टेस्ट डिले नहीं करेंगे, बस सुन लो अगली बार का टेस्ट, शॉर्ट टेस्ट है 10 मिनट का, एक क्वेश्चन दूंगा स्टेट एंड प्रूव ट्राइंगल या पैरेलोग्राम, मेरी मर्जी, हो सकता है सेट ए सेट भी बना दूं, आधों को ट्राइंगल लो आधों को पैरेलोग्राम लो, आपकी किस्मत है, जो ठीक है, प्रूफ तो सेम ही है। एक दूंगा पॉलीगन लो, पक्का दूंगा, पेपर बता रहा हूँ, एक दूंगा ऐसा न्यूमेरिकल रिजल्टेंट वाला, तो सीख लो, 3 क्वेश्चन आने हैं, बता दिया 3 क्वेश्चन आने, बात खत्म, कोई अब कोई डिले नहीं करना, साथ के साथ 2-3 टॉपिक हुए नहीं, साथ के साथ डन, 3 टॉपिक हुए साथ, संडे की वेट कौन करेगा, संडे को तो हो ही जाएगा जो होना है। समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट बहुत ज़्यादा है, टेस्ट ना समझें, ये तो बस ये है कि आप घर जाके कुछ पढ़ आएँ, इतना ही बहुत है, बेबी स्टेप्स हैं, इतना तो कर ही लेंगे, हर बंदे को लगता है चल यार बहुत सिलेबस नहीं, इतना तो मैं कर ही लूँगा, और ऊपर से पेपर भी बता रहे हैं, अब तो मैं पक्का ही कर लूँगा, अब 6 नंबर तो मेरे पक्के ही बनते हैं, देखो कॉन्फिडेंस तो आता ही है, बंदा कहता है और कुछ करूँ ना करूँ 6 तो पक्का लेके आऊँगा। ठीक है, शॉर्ट टेस्ट में तो मेरे से पूछ लिया करो कि क्या डालोगे, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, संडे के टेस्ट में नहीं बताऊँगा। मोटिव नंबर काटने का नहीं है, देने का भी नहीं है, बस आप पढ़ लें, इतना मोटिव है। ठीक, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में है नहीं, मैं चाहता हूँ एक बार ट्राई करें।
क्वेश्चन है कि टू बॉयज रेजिंग अ लोड पुल एट एन एंगल टू ईच अदर. भाई दो बॉयज है वो ना लोड लगा रहे हैं. लोड तो फोर्स होती है, लोड मीन्स फोर्स. फोर्स लगा रहे हैं किसी एंगल पे, वो एंगल नहीं वो बता पा रहा कितना है, किसी एंगल थीटा पे. फोर्स की वैल्यू बता पा रहा है पी एंड क्यू 30 और 60 न्यूटन है, ठीक है 30 और 60 न्यूटन के मैंने. एंड देयर अफेक्टिव पुल, अफेक्टिव पुल क्या होता है, अफेक्टिव पुल क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, रिजल्टेंट. अफेक्टिव पुल का मतलब रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द पुल ऑफ द फर्स्ट बॉय. फर्स्ट बॉय का मतलब 30 न्यूटन. 30 न्यूटन के साथ रिजल्टेंट का एंगल बता रहा है. रिजल्टेंट के एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा या बीटा, बीटा. रिजल्टेंट ने जो एंगल बनाया वो बीटा, और दो वेक्टर के बीच में एंगल इज थीटा. दो वेक्टर के बीच में एंगल तो पूछ रहा है वो, दे नहीं रहा. रिजल्टेंट का एंगल वो आपको बता रहा है कितना, 90. तो बीटा यहां पर कितना है, 90. अब वो कह रहे एक बात बताओ, रिजल्टेंट क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी और थीटा क्या होगा ये बताओ. अगर मैं 2 मिनट के लिए डायग्राम विजुलाइज करूं तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा. ये आपकी पहली फोर्स है 30 न्यूटन, क्लियर है. फिर उसके बाद इमेजिन करो कि मैंने एक और फोर्स ली 60 न्यूटन, क्लियर है. एंगल तो मुझे इनके बीच में गिवन ही नहीं है, तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया, थीटा. फिर इनका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट समझते हो, इन दोनों का वेक्टर सम. वेक्टर सम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा पैलोग्राम से. तो ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ने इस फोर्स के साथ एंगल क्या बनाया, 90. अरे ये डायग्राम के बड़ा बेकार बना, 90 लग ही नहीं रहा है, ही नहीं, गलत डायग्राम हो गया. क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है. नॉर्मली हम ये लेते हैं पी और क्यू, उनके बीच में एंगल थीटा, रिजल्टेंट का बीटा, पर यहां पर बीटा 90 है. चलो रीड्रॉ करते हैं डायग्राम. तो एक फोर्स कितनी है, 30 न्यूटन. तो एक काम करते हैं, पहले बीटा बना लेते हैं. रिजल्टेंट का एंगल कितना है, 90. तो बीटा 90. अब 60 न्यूटन बताओ इस वेक्टर के राइट बनेगा कि लेफ्ट बनेगा, कितने एग्री करते हैं, हाथ खड़ो, राइट बनेगा, कितने लेफ्ट बनेगा. ठीक है, जो राइट बनेगा, लो बना दिया, 60 न्यूटन का एंगल है थीटा. दो वेक्टर का रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा, और ये कहां आ रहा है, उधर खिसक गया. मतलब दो वेक्टर ये रहे, रिजल्टेंट पीछे निकल रहा है. कैसे निकल सकता है, दो वेक्टर के कहीं बीच में ही निकलेगा. तो यानी कि अगर ये पी वेक्टर है और ये आर वेक्टर है, मतलब ही नहीं है कि ये आर वेक्टर के इधर हो जाए. तो इसको कहाँ होना पड़ेगा, लेफ्ट, यहाँ कहीं होना पड़ेगा ऐसे, ताकि इनका रिजल्टेंट कहीं 90 डिग्री पे आए ऐसे. यानी कि जो एंगल बनेगा थीटा वो ग्रेटर देन 90 बनेगा. और पैरेललोग्राम बना के दिखाऊं, इसके पैरेलल ये रहा, ये देखो इसके पैरेलल ये ऐसा डायग्राम बनेगा, जिसमें ये 30 और जिसमें ये 60, ये इसका डायग्राम बनना चाहिए. पूछा नहीं उसने, वैसे बता रहा हूं कि अगर आप इमेजिन करें डायग्राम से तो ऐसा बनेगा इसका डायग्राम. कोई डाउट इसमें, फिर से ये आपका 30 न्यूटन है, रिजल्टेंट ने एंगल, और एक 60 न्यूटन भी है. इन दोनों का रिजल्टेंट ने एंगल 90 बनाया. तो अगर ये रिजल्टेंट पता है आपको, तो 60 न्यूटन को लेफ्ट पे होना पड़ेगा. देखो एक फोर्स इधर, एक ये, रिजल्टेंट तभी बीच में कहीं पे आएगा, है ना, रिजल्टेंट तभी इन दोनों के बीच में आएगा. अगर मैं एक फोर्स यहां बना दूं तो इसका पैलोग्राम यहां से रिजल्टेंट बना देगा, तो कैसे आंसर आएगा, रिजल्टेंट बाहर निकल गया. तो ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, टैन बीटा का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं. टैन बीटा में बीटा 90 है. फॉर्मूला था क्या टैन बीटा का, आप कहोगे कोई बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, मेरे को नहीं चाहिए, मुझे पता ही नहीं ए बी, मुझे पता ही नहीं पी क्यू, मुझे क्या पता क्या. मैंने एक शॉर्टकट करवाया था, जब भी आपको टैन बीटा लगाना है, शॉर्टकट क्या था, कोई फॉर्मूला चाहिए नहीं है. जिसके साथ बीटा ने एंगल बनाया, किसके साथ बनाया, 30, वहां से कभी शुरू नहीं करना. तो मैंने ये सिखाया था, टैन बीटा के अंदर यहां कोई नंबर आएगा इंटू साइन ऑफ थीटा, यहां कोई नंबर आएगा, यहां कोई नंबर आएगा इंटू कॉस ऑफ थीटा. फॉर्मूला कुछ ऐसा देखने को होता था. अब मैटर ये है कि यहां क्या डिब्बों में क्या वैल्यू पुट करनी है. बीटा ने एंगल किसके साथ बनाया, 30. किसके साथ नहीं बनाया, तो जिसके साथ नहीं बनाया वो यहां प्लेस कर दो, जिसके साथ बनाया वो यहां करो आंसर. टैन बीटा का फॉर्मूला लग गया. ना पी याद करना, ना क्यू याद करना, ना ए करना, ना बी करना, तो बस ऐसे ही शॉर्टकट मार दिया.
तो पॉइंट समझ में आया कैसे करना है, जिसके साथ नहीं एंगल बनाया वो यहाँ आएंगे, बाकी यहाँ आ जाएगा। तो टैन बीटा का फॉर्मूला लग गया, तो टैन बीटा लग गया, बीटा की वैल्यू 90 है, टैन 90 क्या होता है इनफाइनाइट। ऐसा कब होगा, जब डिनोमिनेटर क्या होगा जीरो, तो इसका मतलब यहाँ से ये टर्म जीरो, जीरो का मतलब 60 कॉस थीटा माइनस 30, सॉल्व करके क्या आ गया कॉस 30 कॉस थीटा माइनस हाफ। ऐसा कब होता है याद करने को कहा था 120, तो यानी कि थीटा की वैल्यू 120 आंसर है। न्यूमेरिकल को नोट करने की जरूरत नहीं है, ये हैंड रिटन शीट के अंदर आने वाला न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट टाइम ये मिलेगा आपको, मैंने सॉल्व किया हुआ अपने हाथ से, क्वेश्चन यहाँ से हट गया था लेकिन मैंने क्वेश्चन इसमें डाल रखे आपके असाइनमेंट में हटा हुआ है। तो क्वेश्चन नोट करने की जरूरत, तीसरे कॉन्सेप्ट सीखें, कॉन्सेप्ट आ गया तो यहाँ से आपके पास एंगल आ गया, और अब आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो 30 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 60 इंटू कॉस ऑफ 120, कॉस 120 माइनस हाफ है, सॉल्व करके आंसर 30√3 आंसर है। मेथड सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन का, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक, ठीक है हो गया अलजेब्रा सही। नेक्स्ट है फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। आपको एंगल निकालना है थीटा, और आपको ये वेक्टर नहीं आर स्क्वायर की वैल्यू दे दी उसने, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आप मुझे ये बताओ अगर पी वेक्टर क्यू वेक्टर दो वेक्टर्स हैं तो आर का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। लेकिन और स्क्वेयरिंग कर दें, आपको एंगल निकालना है, स्क्वेयरिंग करके आर स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, कितनी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये कट गया, टू पी क्यू कॉस थीटा जीरो आ गया, कॉस थीटा जीरो आ गया, थीटा 90 आ गया, डन हो गया, आंसर आ गया।